हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, और इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉइंटर। तो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पॉइंटर का बेसिक बताया था, तो अगर हम उस पर फोकस करें तो आपको मैंने पॉइंटर क्या होता है वो बताया था। पॉइंटर अर्थमेटिक हमने डिस्कस किया था, कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके बताए थे, एंड फिर हमने पॉइंटर टू पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर और वॉइड पॉइंटर को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम पॉइंटर को यूज करेंगे एरे के साथ। तो आप देखेंगे एरे एंड पॉइंटर, देन एक प्रोग्राम, देन पॉइंटर को स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं और पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी, एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरी डिटेल्स हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड जो भी इस पूरी वीडियो सीरीज का लिंक सर्च कर रहे हैं वो या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर पर इसी पूरी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल है। तो अब स्टार्ट करते हैं एरे एंड पॉइंटर। तो इसमें कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हेडिंग इज एरे एंड पॉइंटर। तो अब एरे एंड पॉइंटर से पहले थोड़ा सा अपन पॉइंटर को ही एक बार के लिए फोकस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ तीन तरह के वेरिएबल बना रहा हूं, इंट, फ्लोट और कैर, ठीक है। तो फर्स्ट अपना पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, सेकंड अपना पॉइंटर है फ्लोट टाइप का, और थर्ड अपना पॉइंटर है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करना है तो पॉइंटर इंटीजर टाइप का बनाओ, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि पॉइंटर हमेशा बेस एड्रेस होल्ड करता है। बेस एड्रेस इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्लोट है, फ्लोट वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, 4 bytes। तो 4 byte मतलब 4 different addresses। तो पॉइंटर उन 4 address में से सबसे पहला एड्रेस ही होल्ड करता है। अब पॉइंटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने एड्रेसेस के थ्रू वैल्यू डी रेफरेंस करनी है, तो पॉइंटर क्या करता है, अपना खुद का टाइप चेक करता है। तो अगर पॉइंटर फ्लोट टाइप का है तो वो 4 byte पे काम करेगा, पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है तो वो 1 byte पे काम करेगा, ठीक है। अब बात आती है एरे एंड पॉइंटर की। तो एरे में आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे लोकेशंस होते हैं। अगर आपने एरे वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि हम एरे में एक ही वेरिएबल में बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे। तो हर ब्लॉक के कुछ डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। तो जब आप एरे को पॉइंटर में असाइन करेंगे तो अगेन पूरे एरे का जो बिगिनिंग एड्रेस है सिर्फ वही पॉइंटर को मिलेगा। तो हमें पॉइंटर को अलग अलग ब्लॉक्स पर जंप कराना है तो हम पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब हम पॉइंटर की वैल्यू जो कि एड्रेस है उसको अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम पी में ए का एड्रेस स्टोर कर दें, देन क्यू में बी का एड्रेस स्टोर कर दें और आर में सी का, तो हमने इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर पॉइंटर में डाला, फ्लोट का एड्रेस फ्लोट में, कैरेक्टर का एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर में। अब अगर मैं इनको प्रिंट करा देता हूं, मैं लिखता हूं %p, 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 ठीक है, और मैंने प्रिंट किया p, q और r, ठीक है। तो p में a का एड्रेस है, q में b का एड्रेस है, r में c का एड्रेस है, और वो भी बेस एड्रेस। अब मैं लिख रहा हूं p++, देन q++, देन r++। इट मींस जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस था उसको मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप पॉइंटर को इंक्रीज करते हैं तो वो 1 से इंक्रीज नहीं होता है, वो अपने टाइप के अकॉर्डिंग बाइट्स जंप करता है। तो अगर इंटीजर पॉइंटर है, अगर आप 16-bit कंपाइलर पर है तो वो 2 byte जंप करेगा, अगर आप 32-bit कंपाइलर पर है तो वो 4 bytes जंप करेगा, ठीक है, 4 addresses को जंप कर जाएगा। क्यू जो कि फ्लोट पॉइंटर है वो हमेशा 4 byte जंप करेगा, और जो आर है कैरेक्टर पॉइंटर वो 1 address या 1 byte को जंप करेगा। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम एरे यूज करेंगे तो हमें ये प्लस प्लस करवाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। तो एरे के केस में क्या होगा, हमें बिगिनिंग एड्रेस तो मिल जाएगा, आगे वाले एड्रेसेस हमें किसके थ्रू मिलेंगे, जब हम पॉइंटर को प्लस प्लस करके इंक्रीज करेंगे।
तो अब इसी प्रिंट एफ को कॉपी करा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दो बार पी क्यू आर के एड्रेस प्रिंट कराए, तो एक बार बिफोर इंक्रीमेंट और एक बार आफ्टर इंक्रीमेंट ये वैल्यूज प्रिंट होंगे। तो अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर एक एरर आई, तो मैंने कैरेक्टर पॉइंटर आर की जगह सी यूज कर लिया था। तो अब इसको कंपाइल रन किया, देखो अगर आप वैल्यूज का डिफरेंस देखते हैं, 34 से 38 पे पहुंचा सीधा, 30 से 34 पे पहुंचा, और ये 2F से 30 पर, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 44, क्योंकि इंट और फ्लोट दोनों को 44 बाइट मिलते हैं, और जो डेव सी प्लस प्लस मैं यूज कर रहा हूँ वो 32 बिट कंपाइलर है, तो उसमें इंटीजर को भी 4 बाइट मिला, तो 4 बाइट का जंप देख रहे हैं आप प्लस प्लस किया, तो फ्लोट में भी 4 बाइट का जंप है और कैरेक्टर में 1 बाइट का जंप, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप एरे को पॉइंटर में असाइन करेंगे तो आपको हमेशा प्लस प्लस करते जाना है और आगे की सारी वैल्यूज आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम जो हमें इंप्लीमेंट करना है वो है कैलकुलेट सम ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एरे, ये पॉइंटर। अब एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैर। अगर कैरेक्टर एरे बनाया तो हम उसको स्ट्रिंग भी कंसीडर कर सकते हैं अगर नल असाइन करते हैं। तो हर केस का एरे आप पॉइंटर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर इंटीजर एरे है तो पॉइंटर किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि पॉइंटर अपने आप को इंक्रीज करेगा, तो वो कितने बाइट्स या कितने एड्रेसेस स्किप करें या जंप करें वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पर, ठीक है। तो आप तो हमेशा के लिए ध्यान रख लो कि जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं पॉइंटर भी उसी टाइप का होगा, राइट। एंड लूप रोटेट करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए, नाउ प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, एंटर वैल्यूज, देन फॉर लूप इटरेट कर देते हैं, फॉर लूप चलेगा 10 टाइम्स जो कि यूजर से इनपुट करवाएगा। तो अभी हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं एरे के अंदर ही, ठीक है। अब एरे का जो एड्रेस है वो डाल देते हैं पॉइंटर के अंदर, तो आप लिखोगे ये स्टेटमेंट, P equals to address of A 0, 0 अब आप सबको मालूम है क्योंकि आपने एरे अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जरूर से देखिएगा इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि एरे में हम लोकेशन एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज करते हैं। तो ये जो इंडेक्स है वो 0 नंबर है, तो 0 मतलब पहले इंडेक्स का जो एड्रेस है, तो इसका मतलब है जो बेस एड्रेस है वो आपका किसमें स्टोर हो जाएगा, P पॉइंटर के अंदर, ठीक। उसके बाद हमें एरे के एलिमेंट्स का सम करना है, तो मैं फिर से लूप इटरेट कर रहा हूं। तो अब इसमें आप देखिएगा मैं एरे को कहीं भी यूज नहीं करूंगा, मतलब एरे का नाम यूज ही नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंटर को यूज करूंगा। तो सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल और बना देते हैं एस, फिर लिखते हैं एस इक्वल्स टू एस प्लस। अब देखो पॉइंटर से उस एड्रेस की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमने यूज किया था एस्टरिस्क, जिसको हम डी रेफरेंस भी बोलते थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर P एक पॉइंटर है जिसके पास एक एड्रेस है और आप चाहते हैं कि उस एड्रेस की वैल्यू आपको मिल जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, एस्टरिस्क P, ठीक है। और वैल्यू एक्सेस करने के लिए आप बाद आप क्या कर दीजिए, P प्लस प्लस। तो अभी P के पास पहले इंडेक्स का एड्रेस था, उसकी वैल्यू मिली, उसको हमने ऐड करा दिया। जब हम P प्लस प्लस करेंगे तो P 1 से इंक्रीज ना होकर 4 एड्रेसेस से जंप होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और 32 बिट कंपाइलर है, इसलिए इंट को 4 बाइट मिलते हैं, तो 4 बाइट्स या 4 एड्रेस जंप कर जाएगा। और फिर अगली बार जब एस्टरिस्क पी करेंगे तो वो अगले इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको ऐड करा देगा। तो इस पूरे लूप में आप देख सकते हैं हमने ए एरे को कहीं भी यूज नहीं किया, हमने एरे का एड्रेस पी में असाइन करके पी के थ्रू उसको ऐड करवा दिया। एंड जब ये लूप फिनिश हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू परसेंट डी एस, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो अब मैं 10 टाइम्स 1 एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि जो आउटपुट प्रिंट होगा वो 10 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम एरे को पॉइंटर के थ्रू कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब एरे वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, उन सारे प्रोग्राम्स को आप पॉइंटर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से पीछे लेके जाता हूँ। ये देखो ये 1D array हमने डिस्कस किया था, तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमने 1D array के वीडियोस में डिस्कस किए थे।
तो लेक्चर नंबर 15 और 16 अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने एरे यूज किया। अब आप आपका जो टास्क है वो ये है कि इन सारे प्रोग्राम्स को या कुछ प्रोग्राम्स को आप पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करके देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम एरे को पॉइंटर से कैसे यूज करते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो बिना हेजिटेशन के मुझसे कॉन्टेक्ट करो ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजोल्व कर दूंगा। तो अब एरे एंड पॉइंटर को डिस्कस करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर जो है स्ट्रिंग एंड पॉइंटर। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पॉइंटर और स्ट्रिंग का रिलेशन फिर से बताना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या होता है, एक एरे। तो जैसे एरे काम करता है वैसे ही स्ट्रिंग काम करता है, बस हमें किस पे फोकस करना है, नल पर। तो लूप 10 टाइम या 15 टाइम ना चल के प्रोसेसिंग के लिए जो लूप चलेगा वो कितने टाइम चलेगा? जब तक कि नल नहीं मिल जाता, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। आपको जो स्ट्रिंग है उसका बेस एड्रेस पॉइंटर में डालना है, पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे। कब तक प्लस प्लस करेंगे? जब तक कि नल नहीं मिल जाता, ठीक है। और जो कैरेक्टर पॉइंटर है जो कैरेक्टर एरे अभी हम बनाएंगे उसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा? कैरेक्टर पॉइंटर। तो पॉइंटर्स के टाइप चेंज हो जाएंगे, बाकी जो प्रोसेस है वो ओवरऑल सेम रहेगा। तो इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा स्ट्रिंग एंड पॉइंटर, इसको इरेज कर देते हैं। ये कैरेक्टर एरे एंड पॉइंटर पी। तो अभी हमें करना क्या है, हमारा जो टास्क है वो है फाइंड आउट लेंथ, कि आपके पास में एक स्ट्रिंग अवेलेबल होगी, यूजर से आप एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यूजर ने कितने कैरेक्टर्स एंटर कराए। बट जो प्रोसेस चलेगा वो str एरे पर डिपेंडेंट ना होकर p पॉइंटर पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अपन एक इंटीजर वेरिएबल बना देते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 0। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग, उसके बाद गेट str, ठीक है। अब हमें एड्रेस असाइन करना है, तो हम पुराना वाला मेथड यूज करेंगे जो हमने एरे में यूज किया था, कि जीरो इंडेक्स का एड्रेस हम पी पॉइंटर में असाइन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज और आपको बताता हूं। जैसा पिछले एग्जांपल में देखा था, हमने क्या लिखा था, पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए जीरो, हमने ये लिखा था, ठीक है। अब अगर आप ये लिख देते हो पी इक्वल्स टू ए तो ये भी वैलिड है। अगर आप पी इक्वल्स टू ए लिख देते हैं तो वो भी वैलिड होता है। तो इट मीन्स अगर मैं यहां पर लिख दूं पी इक्वल्स टू एस टी आर तो भी ये वैलिड है। आप बोलेंगे इसका रीजन बताओ, तो इसका रीजन है नेम ऑफ एरे और स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली रिटर्न्स बेस एड्रेस, इसका आंसर। तो जब भी एरे का नाम, सिर्फ नाम यूज करेंगे आप डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन हुआ इसके बाद जब भी एरे का नाम यूज करेंगे तो एरे का नाम आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, बेस एड्रेस। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस पूरे स्टेटमेंट की जगह सिर्फ str लिखोगे तो भी वैलिड होगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आप एड्रेस ऑफ str 0 लिखते हैं या फिर सिंपली str लिखते हैं। और अगर पिछले एग्जाम्पल की बात करें जो हमने एरे के लिए बनाया था, उसमें आप p equals to address of a 0 भी लिख सकते हो और आप p equals to a भी लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो एरे का नाम ऑटोमेटिकली बेस एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक। अब चलाते हैं लूप। तो अब यहाँ चलाएंगे वाइल लूप, क्योंकि हमें लूप को नल तक चलाना है। तो यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा, तो हम सीधा इसको नल से चेक करा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो गया। अब आपको वाइल लूप का एक और यूज समझ में आएगा कि हमने यहाँ इनिशियलाइज किया, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, तो पी के पास एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस की वैल्यू निकालने के लिए हमने उसको डी रेफरेंस किया। डी रेफरेंस किसके थ्रू किया, स्टार के थ्रू, एस्टेरिस्क के थ्रू। तो अगर एस्टेरिस्क पी पर जो वैल्यू है वो नल के इक्वल नहीं है, इट मीन्स वहां पर एक वैलिड कैरेक्टर अवेलेबल है अदर देन नल। तो हमने लेंथ को प्लस प्लस कर दिया। अब P पॉइंटर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को चेक कर चुका है, तो P को हमें अगले एड्रेस पे पहुंचाना है, तो आप क्या लिख दोगे, P++, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन। अब लूप फिनिश होने के बाद लेंथ को प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ और उसमें एलियन वेरिएबल को डिस्प्ले करा दो, सिंपल। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम है उसको भी पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब स्ट्रिंग वाले जो प्रोग्राम्स है अगर आप उनको रन करोगे तो आपको स्ट्रिंग वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको पॉइंटर के थ्रू रन करोगे तो वो अब आप कर सकते हैं।
देखो लेंथ इक्वल्स टू 6, तो आपको करना क्या है, इतना काम तो हमने हर प्रोग्राम में किया ही था, और प्रोसेसिंग के लिए हम str को यूज करते थे, अभी आपको पॉइंटर p को यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने जो स्ट्रिंग वाले वीडियो में आपको जो प्रोग्राम्स बताए थे, देखो यहाँ कुछ प्रोग्राम है लेक्चर नंबर 18 में और लेक्चर नंबर 19, तो कोशिश करो कि इन प्रोग्राम्स को भी आप पॉइंटर के थ्रू कन्वर्ट करें, कुछ प्रोग्राम्स 2, 3, 4 जो भी आप कर सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी नई नई चीजें इंप्लीमेंट करोगे खुद से, उतना आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है कि कैसे कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, और जब भी डाउट हो आई एम ऑलरेडी देयर, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स अगेन। नाउ लास्ट पॉइंट बचता है स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, तो इसको और देख लेते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स भी बना चुके हैं, तो अब उसको पॉइंटर के थ्रू रिलेट करके देखते हैं कि कैसे वो प्रोसेस होगा, बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्ट लेट से नंबर ही बना लिया, ठीक है, या एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं, उसमें रोल नंबर ले लिया, कैरेक्टर नेम ले लिया और फ्लोट मार्क्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल मैंने आपको बनाना सिखाया था इस तरीके से, आप लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो ऐसे एक वेरिएबल बनेगा जिसको मेमोरी एलोकेट होगी, उसमें आप वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस कहीं पे स्टोर करूं, तो मुझे पॉइंटर जो है वो किस टाइप का बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टाइप का। जो पी पॉइंटर है वो अब किस टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको पॉइंटर बनाना है तो आप चेक करो कि वो पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, उसी टाइप का पॉइंटर बनेगा। अब पहले हम यूजर से इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, दो एंटर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, ठीक है। ये इनपुट होने के बाद जो प्रिंटिंग का काम है वो पॉइंटर करेगा। तो अब इसको स्कैन कराते हैं, तो पहले लिखा है स्कैन एफ डी। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल एस डॉट रोल नंबर, फिर मुझे नेम रीड कराना है तो एस डॉट नेम, फिर मुझे मार्क्स रीड कराना है तो अगेन मैं स्कैन एफ लिखूंगा परसेंट एफ एम परसेंट एस डॉट मार्क्स। तो ये मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू सारी चीजें प्रोसेस करा ली, ठीक। अब मुझे क्या करना है, पी पॉइंटर में स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है। तो अब ध्यान देना, एस एक वेरिएबल है, एस कोई एरे या स्ट्रिंग नहीं है, एस इज अ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, इसलिए हमें एम्परसेंट यहां लगाना पड़ेगा, यहां एम्परसेंट यूज करना पड़ेगा। तो एस वेरिएबल का जो बेस एड्रेस है वो किसको मिल गया, पी। इट मींस अब पी पॉइंटर के थ्रू आप स्ट्रक्चर की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम प्रिंट करा देते हैं इंफॉर्मेशन, तो यहां मैंने लिखा स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद हमें प्रिंट एफ लगाना है, तो प्रिंट एफ रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली तो हम क्या लिखते हैं, एस्टरिस्क पी लिखते थे, बट स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, पी देन एरो एंड देन रोल नंबर। और ये एरो मैंने कैसे बनाया, मैंने हाइफन साइन माइनस वाला साइन प्रेस किया और फिर ग्रेटर देन साइन। तो इस तरीके से आपको पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है। नेम प्रिंट कराना है, नेम इक्वल्स टू परसेंट एस पी देन एरो नेम और फिर से प्रिंट एफ। और अब हम चला देंगे प्रिंट एफ यहाँ पे मार्क्स के लिए, और ये प्रिंट कर देगा पी एरो मार्क्स। तो ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है मुझे, तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा स्ट्रिंग वाला या स्ट्रक्चर वाला, उन्होंने देखा होगा कि ये इंट के बाद जो स्ट्रिंग है उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता, तो हमें ये एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो अब ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट, ठीक है, इसको सेव किया, एग्जीक्यूट करा देते हैं, जिससे टेस्ट हो जाएगा कि ये प्रॉपरली रन हो गया नहीं। यहाँ पर एक एरर आई, एरर क्या है, ओके, मैंने यहाँ सेमीकोलन यूज नहीं किया इसलिए एक एरर आ गई। तो स्ट्रक्चर को जब भी लिखेंगे तो आपको लास्ट में सेमीकोलन यूज करना जरूरी है, तो कंपाइलर तुरंत एरर्स पकड़ लेता है, ये इसका एडवांटेज है। तो ये अपन ने डाला मार्क्स 101, नेम डाल दिया संजय, सॉरी पहले रोल नंबर डाला 101, फिर नेम डाला संजय और मार्क्स डाल दिए 1000। देखो पूरी डिटेल एज इट इज प्रिंट हो गई, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, और प्रिंटिंग के टाइम पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, पॉइंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सी पढ़ने के बाद अगले सेमेस्टर या ईयर में जाएंगे तो
तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, और आप पढ़ेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पर भी हम स्ट्रक्चर और क्लासेस वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कराना है, या फिर अब आप सोच रहे होंगे कि हम दो चीजें क्यों बना रहे हैं, हम वेरिएबल भी बना रहे हैं पॉइंटर भी बना रहे हैं, फिर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में असाइन करके उसको यूज कर रहे हैं। तो वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो आने वाला वीडियो है, जो मैं लेक्चर नंबर 24 आपको बताऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इट मींस वहां पर वेरिएबल होगा ही नहीं, वहां मेमोरी डायरेक्टली किसको एलोकेट होगी, पॉइंटर को। तब आपको समझ में आएगा कि हम ये बेसिकली ये जो लेक्चर है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि अगर अपने पास में एरे से रिलेटेड एड्रेस किसी पॉइंटर में तो वो कैसे प्रोसेस होगा, स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई एड्रेस पॉइंटर में अवेलेबल है तो वो कैसे प्रोसेस होगा, और किसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई एड्रेस अगर पॉइंटर के पास अवेलेबल है तो उसको कैसे प्रोसेस करेगी। तो आई होप कि अब आपको ये तीनों चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ प्रोग्राम्स, दो मतलब एरे के दो प्रोग्राम, स्ट्रिंग के दो प्रोग्राम और स्ट्रक्चर के दो प्रोग्राम आप जरूर से पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, ताकि जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखोगे तो आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर का बेसिकली जो प्रॉपर यूज है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ही होता है, जहां पर वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें सिर्फ पॉइंटर बनाकर उसको ही मेमोरी एलोकेट कराना है। तो वो जब आप लेक्चर नंबर 24 वाला वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, आप डिस्कस कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स के पास इस पूरी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल नहीं है, वो या तो मेरे चैनल पर जाएं और वहां प्लेलिस्ट में सर्च करें, और अगर और इजीली सर्च करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट जो लिंक है वो इसी वीडियो सीरीज का है, उसके अलावा जो लिंक्स हैं वो अदर वीडियो सीरीज के हैं, जो अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। सो आई होप कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आ रही हैं। सो पॉइंटर वाला टॉपिक इस वीडियो में खत्म हुआ, अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।